मैं राधेश्याम प्रवीण देवी की राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय नागौर ई लेक्चर 41 सब्जेक्ट कोड 108 बोसा या आरी प्रेम के रूप में ही होती है। फ्रेम में 12 से 16 इंच तक लंबाई की ब्लेड लगी होती है। ये आरी बाहर की गोलाई या डिजाइन काटने के काम आती है। इस फ्रेम सा भी कहते हैं। इसे डोरियां या पेज से कसा अथवा खोजा जा सकता है, जो कि चित्र में वर्णित है। कोपिंग सा, ये आरी भी फ्रेम के में कसी होती है। फ्रेम में लगे ब्लेड की लंबाई 5 से 8 इंच तक होती है। ये बाल की तरह पतली होता है। इस फ्रेम लोहे का होता है, जो कि चित्र में वर्णित है। एक सा, आम तौर पर ये आरी लोहे का काम करने में प्रयुक्त होती है, परंतु इसमें हम लकड़ी की बाहरी गोलाई काट सकते हैं। इसका फ्रेम लोहे का बना होता है और कोपिंग सा जैसी ही होती है। इसमें 8 इंच से 12 इंच तक ब्लेड लगी होती है। संबंधित अधिकांशता इन से फ्रेमों में ब्लेडें जो कि उसके आधार पे लोहे की ब्लेड भी लगाई जा सकती है। ऐसे एक सा फ्रेम जिनमें फ्रंट में ब्लेड दांतों हैंडल के विपरीत बांधकर कसा जाता है, जिसे कि प्रेस करते समय संबंधित ब्लेड के दांते खराब न हो या पिचके नहीं, इसलिए ब्लेड को हैंडल के विपरीत क्रूक में ही दांतों को रखा जाता है। अगले टर्न में रूखी या बढ़ई के संदर्भ में रूखी के बारे में बताएंगे, जो कि फार्मर चीजल नाम से जानी जाती है।